बेलतरुड़ी थाना अंतर्गत नरेंद्र नगर निवासी डॉक्टर रुचिता मंगेश रेवतकर ने मंगलवार की सुबह अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की। रुचिता की मां पांडुना निवासी अलका कवड़े की शिकायत पर पुलिस ने रुचिता के डॉक्टर पति मंगेश पुरुषोत्तम रेवतकर और सास सुनंदा के खिलाफ दहेज बलिकांड मामला दर्ज किया। प्रकरण दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने डॉक्टर मंगेश को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मंगेश सिटी स्कैन मशीन खरीदने के लिए रुचिता पर मायके से 50 लाख रुपए दहेज में लाने की मांग कर रहा था। इसी वजह से उसके साथ मारपीट की जा रही थी। पुलिस ने बुधवार दोपहर मंगेश को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने 26 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। दिनांक 22 तारखे की घटना है। 22 डिसेंबर ला सकाळी 10 वाजता आम्हाला माहिती आली की एका डॉक्टर महिलेने आत्महत्या केली। त्या माहितीवरून आमचा स्टाफ, मी स्वतः घटनास्थळी गेलो। तिथं घटनास्थळी गेल्यावर त्या बाईने सुसाईड केली होती, डॉक्टर त्या महिलेने। सुसाईड केल्यानंतर आम्ही सर्व कायदेशीर कारवाई केली, त्याच्यात तिची सुसाईड नोट्ससुद्धा जप्त झाली आणि इतर चौकशी केली। त्याच्यावरून त्यांच्या त्या महिलेच्या आईने आमच्याकडे तक्रार दिली की तिला खूप नवऱ्यापासून त्रास होता आणि त्या त्रासाला कंटाळून तिने आत्महत्या केली। त्याच्यामुळे कायदेशीर कारवाई करून आम्ही 498 304 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्याच्यात आरोपी हा स्वतः डॉक्टर आहे, उच्च विद्याविभूषित आहे, त्याला सुद्धा अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास पोलीस स्टेशन बेलतरुडी। रुचिता खुद एक BMS डॉक्टर थी। HPM की पढ़ाई भी रुचिता ने अपने पैसों से की। मंगेश ने उसकी पढ़ाई के लिए कोई योगदान नहीं दिया, उल्टा रेडियोलॉजी में MD की पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद का व्यवसाय शुरू करने और सिटी स्कैन मशीन खरीदने के लिए 50 लाख रुपए की मांग करने लगा। मंगेश जानता था कि आर्थिक हालत तंग होने के कारण कड़वे परिवार अपनी ऑयल मिल बेचने वाला है, उन्हें मोटी रकम मिलने वाली है, उसे भी रुपए मिल जाएंगे। इस लालच में वह रुचिता को प्रताड़ित कर रहा था। कड़वे परिवार के अनुसार मंगेश की मां सुनंदा भी उसे बढ़ावा देती थी। दहेज के लालच में एक परिवार उछड़ गया। वही 3 वर्ष के बेटे मिहान के सर से मां का आंचल उठ गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, NBC न्यूज़ नागपुर।